सर सुबह से बहुत सारे मेल्स आ चुके हैं, अराउंड 10 ईमेल, जिसमें लोग यही बोल गए कि शायद फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, हमारा काम ऑफलाइन है, श्योर जो नया कोविड का वेरिएंट है, राइट, लोग बहुत डर रहे होंगे उसकी वजह से, तो हमारा काम ऑफलाइन है, तो उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है. सो व्हाट कैन वी डू फॉर देम? जैसे देखो, एक चीज तो यहाँ पे सच है कि यार अभी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए जब से हम कोविड के संग रह रहे हैं, तो अगर अभी भी लोगों ने इसके ऊपर वर्क अप ऑन नहीं करा है, वो अपने काम को ऑनलाइन नहीं लेके गए हैं, इन अ वे इट इज़ पीपल्स फॉल्ट. बिकॉज होता क्या है ना, जब थोड़ी भी सिचुएशन इंप्रूव होने लग जाती है, हम अगर सीख भी रहे होते हैं कि हम कैसे चीज़ों को ऑनलाइन लेके जाएंगे, हम उस पर वर्क करना बंद कर देते हैं. एक बहुत बड़ी गलती है जो लोगों की होती है. पर ठीक है, क्या क्या मेल्स आए हैं आपके पास? लेट्स सी हाउ मेनी पीपल वी कैन हेल्प. राइट, जैसे एक था, ही वाज अ ड्राइवर एंड हिज वाइफ इज एजुकेटेड. ही वाज लाइक, जैसे लॉकडाउन लग जाएगा तो आई एम लिटरली आउट ऑफ माय बिजनेस. और एक था जो हैड देयर क्लोथिंग एंड अपैरल स्टोर रनिंग ऑन ऑफलाइन. सो दे वर लाइक, ऑनलाइन ले जाना हमारे समझ नहीं आ रहा है, क्या करें क्या करें. देन और एक था, ही वाज अ होम ट्यूटर, ही गोज टू हाउसेस, टीच चिल्ड्रन, 11 years ऑफ एक्सपीरियंस. एंड वन इज अ फ्रीलांसर, वो घर जा जा के लैपटॉप्स रिपेयर करता है. तो दीज वर द फ्यू आई रिमेंबर. अगर हम इन चारों को लेके चले, अब जैसे जो ड्राइवर है, अब ये बात तो सच है कि हम ओवरनाइट तो उनको कोई चीज़ नहीं सिखा सकते, लेकिन जैसे उन्होंने यहाँ पे बोला है कि उनकी वाइफ एजुकेटेड है, उससे ये लगता है पता कि शायद वो एजुकेटेड नहीं है. हमने एक पहले डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पर डाला था, अगर आपको याद होगा, जिसमें हमने फ्रीलांसिंग के बारे में बताया था, दैट शी कैन लर्न आइदर ऑफ दोज थिंग्स एंड शी कैन गेट स्टार्टेड विद इट. हम इस वीडियो के लिंक के लास्ट में उस वीडियो का भी लिंक दे देंगे, सो दैट वो देख सकें. अब फ्रीलांसिंग में अगर आप देखो, सेल्स भी कर सकते हैं, वो घर पे बैठ के फ़ोन के ऊपर सेलिंग कर सकते हैं, किसी ना किसी ब्रांड के लिए मे बी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, उनके मेल्स के आंसर कर सकते हैं, क्योंकि बाकी टेक्निकल चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 months ये भी कर सकते हैं. ईमेल राइटिंग भी कर सकते हैं. कंटेंट अगर कोई बना के दे दे तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्ट तो वो कर ही सकती है, अगर वो एजुकेटेड है तो उसके थ्रू भी उनको कुछ अमाउंट मिल सकता है. अगर एक ब्रांड से 12-13 हज़ार भी चार्ज करती है, ऐसे दो ब्रांड्स के संग काम करती है, शी विल बी एबल टू मेक मोर देन 25,000 rupees एवरी मंथ. बट ऑफकोर्स रीचिंग आउट तो आपको करना पड़ेगा बहुत सारे क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए. एंड वंस यू गेट द टेक्निकल थिंग्स इन प्लेस, जो भी हम हमारे प्रोग्राम में सिखाते हैं, तो आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, कॉपी राइटिंग कर सकते हो, फेसबुक एड्स चला सकते हो, आप ब्रांड रिकॉल का काम कर सकते हो, आप लीड जनरेशन कर सकते हो. आप अगर एजुकेटेड हो और आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम करो, तो आप वेबिनार होस्ट कर सकते हो. देर आर मल्टीपल वेज वेर इन एन इंडिविजुअल कैन अर्न मनी. आई नो कोविड हैज बीन टफ फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हमारे पास मल्टीपल इनकम प्रोड्यूसिंग अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं. ये तो उनका हो गया. जिनका अपैरल्स का स्टोर है, वो बोलते हैं कि हम ऑनलाइन नहीं ले जा सकते, लेकिन वो लोग आज की डेट में भी न्यूज़पेपर में एड्स देते हैं, होर्डिंग्स में करते हैं, पैम्फलेट्स बंटवाते हैं, वो सब ऑब्सोलीट हो गया है, वो सब मार्केट से खत्म हो गया है. एंड वो जो लेडी है 110% है, वो भी अपने लिए कपड़े ऑनलाइन मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, इस तरीके के ब्रांड से खरीदते होंगे, तो वो चीज़ वो खुद क्यों नहीं कर सकते? अपना एक इंस्टाग्राम पेज लेके जा सकते हैं. अब आप सोचो, उनके ऑफिस में कुछ स्टाफ भी होता होगा उनके स्टोर में, और रेंट भी वो देते होंगे उसका. उन्हीं लोगों का आप बोलो कि आप सारी चीजें देखो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा अकाउंट बनाओ, आप लोगों तक रीच आउट करो, और हो सकता है कोई बल्क ऑर्डर ही उनको वहां से मिल जाए, तो जितना उनके पास पूरे महीने में ऑर्डर आता होगा वो एक जगह से भी आ सकता है. एंड दूसरा, अगर उनका काम अच्छा है ऑफलाइन में भी, तो तभी बिकेगा ना. अगर उनका प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट होगा, अपैरल्स में कुछ डिफरेंट होंगे, वो चीज़ वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेल कर सकते हैं, अपनी एक वेबसाइट बना के भी सेल कर सकते हैं. अभी तो ऐसे बहुत सारे पेजेस आते हैं, जैसे हमारा फ्लेक्सी फनल्स भी आ रहा है. अब फ्लेक्सी फनल्स के ऊपर 2 दिन में अपनी वेबसाइट रेडी कर सकते हो, आपको होस्टिंग आने की, कोडिंग आने की, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है. ये तो हमने खुद को एक एक्सक्यूज़ दे दिया कि मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता. अभी तक आई गेस मैंने आपको 12-13 तरीके तो बता दिए होंगे, जिसमें आप घर पे बैठ के लीगल तरीके से काम कर सकते हो. आपने ट्यूटर के बारे में बताया, जो हमारी बुक है जो यहाँ पे रखी हुई है, इसमें चेतन सेतिया और पुण्या सेतिया की स्टोरी है. वो पहले मैथमेटिक्स ही पढ़ाते थे, अभी भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो 20 साल में जो रिजल्ट नहीं आए थे वो 1 साल में आए इन टर्म्स ऑफ इनकम. और वो क्यों हुआ? क्योंकि जो उनका रीच था वो बढ़ गया. अगर आप एक अपनी सिटी में हो, आप सिर्फ अपने सिटी भी नहीं, सिर्फ लोकेलिटी के ऑडियंस को केटर कर सकते हो, लेकिन अगर आप वही काम ऑनलाइन ले जा सकते हो, आप पता नहीं कितने लोगों को पढ़ा सकते हो. सो बीइंग अ ट्यूटर, ही और शी कैन डू द सेम थिंग ऑनलाइन. आप ऑनलाइन ट्यूशंस लो, ऑनलाइन सेशंस लो, और जैसे कि हमने एक और हमारे वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था कि आप ऑनलाइन तो 2,000-3,000 लोगों को भी पढ़ा सकते हो, जो आपके लिए ऑफलाइन तो कभी पॉसिबल ही नहीं है इंडिविजुअली. ऑफकोर्स इट माइट टेक सम टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट, बट देन हर कोई व्हाट्सएप भी एक टाइम पे नहीं चलाता था, सीख तो गए. जो आप रिपेयरिंग वाली बात कर रहे थे, ही कैन डू द सेशंस ऑनलाइन. आप 1-to-1 मीटिंग्स ऑनलाइन करो, उनसे पूछो उनके में क्या प्रॉब्लम है, और उनको साथ साथ गाइड करते चले जाओ स्क्रीन पे. अब हमको कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो निकालना ही पड़ेगा ना यार. इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड इशू व्हेन यू टॉक अबाउट कोविड, एंड वी गॉट टू लुक फॉर सॉल्यूशंस फॉर दैट. आप अगर हमारी भी बात करें, हमारे संग भी ये चैलेंज था कि हमको भी फिजिकल इवेंट्स करने बहुत पसंद थे. आपको भी ये बात पता है
अगर आज की डेट में कोविड नहीं होता, हम राइज एंड शाइन का नेक्स्ट एडिशन कर रहे होते हैं, इस बार हमने प्राइस पॉइंट भी 50,000 सोचा है, 100 लोग आराम से आते हैं, वो हमारे लिए भी इज़ अ लॉस, अगर आप बाकी एक्सपेंसेस सब हटा के भी चलो, वो कम से कम 30-40 लाख रुपीज़ का प्रॉफिटेबिलिटी वाला इवेंट हमारे लिए होता, हमारे लिए भी वो लॉस है, पर अब वी कांट क्राई ओवर इट, व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। तो इसीलिए हम हमारा 1-to-1 प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बिजनेस अफेक्ट होगा, तो हम उनको भी स्केलिंग में हेल्प करेंगे। लेकिन जब तक आप एफर्ट्स डालने के लिए रेडी नहीं हो तो चीज़ें नहीं होंगी। और दूसरी चीज़ जो अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग मेल करते हैं, मैं मेरे वीडियोस में भी बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ, द रीज़न व्हाई वी कम अप विद द मेंटोरिंग प्रोग्राम इज बिकॉज इन डेप्थ सॉल्यूशंस, कस्टमाइज सॉल्यूशंस, इंडिविजुअल क्वेरीज, कम्युनिटी सपोर्ट, ये सब कुछ आपको तभी मिलेगा जब आप और मैं साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, विच अनफॉर्चुनेटली आई कांट डू। अब इस वीडियो में भी हमने 15 तरीके बताए हैं, आई एम श्योर आपको पता चला आप इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे अपने लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद अगर कहीं पर अटक जाते हो तो काम करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफलाइन में भी चैलेंजेस आते ही हैं, ऑनलाइन में यह है कि आपका स्केल जो है वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे, एंड जब आपने सारी चीज़ें सॉर्ट करी आप जीत जाओगे। दूसरी चीज़, आप अगर इसमें देखो आउट ऑफ 15-10 वेज तो कम से कम ऐसे हैं जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, जो बाकी के लोग नहीं करते हैं, और वो जब आप करना शुरू कर देते हो तो आपके पास इनकम की अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा आ जाती है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, जो आपके पास मेल जाते हैं आप उन्हें रिप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी डोमेन में हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, यू कैन मेक इट अ स्पेशलाइज्ड निश। फॉर एग्जांपल आई एम गुड एट कम्युनिकेशन, सो व्हाट वी हैव डन इज हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर ही, मेरे को लिखना तो पहले से आता था, वो पहले मैं लेटर्स लिखता था, प्रिंसिपल्स के पास तक जाता था और टोस्ट मास्टर्स में सीखता था, वो चीज़ हमने ईमेल मार्केटिंग में करना शुरू करा। मेरी जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स है एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग में भी, तो वही चीज़ इंप्लीमेंट हुई है ना हमारी, पहली चीज़। दूसरा, सेलिंग पहले इतने अच्छे से नहीं आती थी, सेलिंग करना शुरू करा, उसमें भी कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा रोल था, चीज़ें सीखी, इंप्लीमेंट करना शुरू करा, बुक लिखना शुरू करा, तो वो चीज़ लोगों को बतानी शुरू करी। बट इफ़ यू लुक एट इट, ऑल ऑफ दैट इन्वॉल्व्स वन थिंग दैट इज़ कॉमन, एंड दैट इज़ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन एक स्किल है जो मेरे पास था, एंड उसी के अराउंड रिवॉल्व करते हुए हमने बहुत सारी हाई इनकम स्किल्स डेवलप करी हैं, एंड ये सारे के सारे लोग वो कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज पीपल थिंक कि हमें बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे हैं, नो, आपके एक ही बिजनेस से आपके बहुत सारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। हमने कम्युनिकेशन मास्टरी से शुरुआत करी, राइज एंड शाइन इवेंट हुआ, EBW इवेंट हुआ, और दिल्ली में सेल्स इन लीडरशिप मास्टर क्लास हुआ, सेल्स मास्टर क्लास बनकर आया, पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन हुआ, हमारी बुक बनकर आई, अभी 1-to-1 प्रोग्राम बनकर आ रहा है, इंटरनेशनल इवेंट है जो हम प्लान कर रहे हैं, फिर इसी में हमारा एसोसिएशन हुआ और हम हमारा वेलनेस प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती है। सो वी स्टार्टेड विद वन एंड और सॉफ्टवेयर्स हमारे हैं, अफिलिएट मार्केटिंग है, आपके पास अभी 10 मोड्स ऑफ इनकम ऑटोमेटिकली जनरेट हो गए, और आपकी ऑडियंस इतनी बड़ी बन गई है कि वो आपका दूसरा प्रोडक्ट भी ले लेगी। तो ये सारी चीज़ें जब ये लोग शुरू करते हैं ना, उनके पास बहुत सारे तरीके होंगे आगे इनकम लेकर जाने के लिए। आई होप इट मेक सेंस। एंड एक चीज़ हम और चाहते हैं, हम थोड़ा सा कैप्शन में भी लोगों को डिटेल्स लिख के दे देंगे कि आप और कौन कौन सी चीज़ें शुरू कर सकते हैं, तो वो भी लोग देख सकते हैं। यू कैन डाउनलोड इट, हम आपको कैप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के दे रहे हैं। बट डोंट गिव दिस एक्सक्यूज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस एक्सक्यूज इज नॉट गोना वर्क। और कब तक हम, वी डोंट इवन नो हम कब तक कोविड के संग रहेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक केयर ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फाइंड अ वे सो दैट यू कैन अर्न मनी ऑनलाइन, यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स, बी सेफ एट द सेम टाइम। एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव मेड दिस डिटेल्ड वीडियो, अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल नॉट गोना डू इट, सो द वंस हु डू विल ऑटोमेटिकली बी अहेड ऑफ द अदर्स हु डोंट। सो द पीपल हु वॉच दिस वीडियो, दे हैव टू चूज कि सिर्फ वीडियो देखना है या फिर इंप्लीमेंट भी करना है। आई होप अब सारे ईमेल्स के रिप्लाईज आप कर पाओगे। या श्योर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर।